वैसे तो मासिक में सैनिटरी पैड यूज करना सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ये बहुत सुरक्षित है। और दिन में कम से कम 3 बार सैनिटरी नैपकिन बदलना चाहिए। हर दिन नहाना भी जरूरी है। और ना ही मासिक में लड़कियां बीमार होती हैं या अपवित्र होती हैं। बस इन कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसी विश्वास के सहारे आज मैं डॉक्टर स्नेहा माथुर यहाँ हूँ। पिछले 3 सालों में मैंने अपने गांव प्रतापपुर में कई बदलाव देखे हैं। सबसे दिल छू लेने वाला बदलाव देखा है युवाओं में, जिन्होंने ना सिर्फ अच्छी शिक्षा ली है बल्कि उसे लोगों तक पहुँचाया भी है। आज मैं दुनिया के सबसे प्राचीन शिक्षण संस्थानों में से एक नालंदा से गुजरकर बिहार में हरदिया गांव की तरफ निकली हूँ, यहाँ भी कुछ ऐसे ही बदलाव देखने। अच्छा तो फिर ये सब क्या है? ये सब हम लोग किशोरी समूह का बैठक कर रहे हैं, जिसमें कि सैनिटरी नैपकिन का हम लोग बैंक बनाए हैं। किस वजह से एक बार पैसा नहीं हो पा रहा है, तो 1-1 रुपया पर डे करके 30 रुपया हम लोग हर महीने में अपने समूह में जमा करते हैं। और वैसी लड़की जो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, उनको भी हम लोग देते हैं, जिससे कि हम लोग का स्वास्थ्य अच्छा रह रहा है। ये कोई नया बदलाव है या हमेशा से आप लोग ऐसे ही रहे हो? पहले हम लोग इतना मतलब जैसे कहते हैं कैदी बन के रहते थे, हम लोग को घर से नहीं निकलने दिया जाता था। आज जब हम लोगों ने आपका एपिसोड देखा मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो हम लोगों में भी ऐसा मतलब कहते हैं ना जुनून आ गया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। प्रतापपुर में मेरा स्वागत धमकियों से ही हुआ था, पर मैंने हिम्मत करके अपने कदम आगे बढ़ाए। ये रास्ता मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। मैं देश का चेहरा बदल दूंगी। आप लोग और भी क्या क्या कर रहे हैं इस गांव में? हम लोग परिवार नियोजन पे भी बात करते हैं, गांव में जाकर के महिलाओं लोग को बताना, उन्हें बताते हैं कि अंतरा सुई हो गया, छाया है, कॉपर्टी है और कंडोम है। बोला जाता है भारत एक युवा का देश है, भाई कहाँ युवा का देश, हम लोग को तो स्थान ही नहीं दिया गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे जन संवाद होता है साल में 2 बार, उस दिन हम लोगों ने अपनी बात को रखा कि हमें भी एक युवा क्लिनिक चाहिए, ताकि हम लोग भी अपनी बातों को वहाँ पे रख सके, बेझिझक होकर के अपनी बातों को बोल सके। और वो हमें दिया भी गया है, और हमारे जितने भी गाँव की लड़कियाँ हैं वो वहाँ पे जा रही है सेवा ले रही है। जो लड़कियाँ कल तक अपने बारे में नहीं बोल सकती थी, उनके शारीरिक जो परिवर्तन था उसके बारे में जो अनभिज्ञ थी, उनको यह पता नहीं था कि कुछ सैनिटरी पैड भी होता है, और वो आज सैनिटरी पैड बैंक बना रही है। आप इसे समझ सकते हैं कि जो लड़कियां कुछ नहीं करती थी, वह जो है आज इस स्थिति में कहता कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कागज पर नवादा देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है, पर यहाँ इस तरह की वैचारिक उन्नति देख मन में कई आशाएं उमड़ती। तो आप लोगों को मुन्ना क्लब करता क्या है? लड़कियों के ग्रुप की लड़कियां जो रहती है वो औरतों को समझाती है, और हमारे ग्रुप के जो लड़के होते हैं वो मर्दों को समझाते हैं। पहले हम सब जब मासिक धर्म से होते थे तो चुप रह जाते थे। नैपकिन के बारे में बेटियां ही लोग समझाई कि नहीं माँ कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ नैपकिन आ गया है। आज पहले की अपेक्षा हमारा समाज बहुत परिवर्तन आया है। आज तो जहाँ भी देखते हैं हमारे लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं दिखने को मिलता है। मैं भी कुछ कर सकती हूँ जो हम लोग देखे हैं, और इसके तहत जो ये चल रहा है इसके तहत हम लोग का बदलाव आया है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ मैं कुछ भी कर सकती हूँ ही नहीं, बल्कि हम सब कुछ भी कर सकते हैं। मेरा एक सपना है कि हमारे गाँव में
शत प्रतिशत लोग शिक्षित हों, सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, रोजगार बढ़े, कोई भूखा ना सोए, किसी की आंखों में आंसू ना आए, सब एक साथ रहें, खुशियां मनाएं, मेरा ये सपना सच लगने लगा है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ।